खत्म होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं उप जिला अधिकारी ब्लॉक सभागार में की गई पीस कमेटी की बैठक। महोबा पनवाड़ी ब्लॉक सभागार में आज जिला अधिकारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पनवाड़ी क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधान एवं गणमान्य व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहे, जिसमें ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संजय द्विवेदी अपने विचार व्यक्त करते हुए जिला अधिकारी महोदय का भरोसा दिलाया। पनवाड़ी विकास खंड के अंतर्गत 64 ग्राम पंचायतों में से महोदय को किसी भी कोई भी समस्या नहीं मिलेगी एवं पंकज तिवारी घुटाई एवं डॉक्टर पंकज तिवारी पत्रकार जमाल कादरी नईम अंसारी हमीदिया इंटर कॉलेज ने अपने अपने विचार कर जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भरोसा दिया कि हमारे क्षेत्र से किसी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई हैं, हमारी तरफ से शासन को कोई भी समस्या नहीं मिलेगी, जिससे कि जिला अधिकारी ने सभी वक्ताओं का तालियों के साथ स्वागत किया। अयोध्या मंदिर के फैसले को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पनवाड़ी ब्लॉक सभागार में पीस कमेटी की बैठक कर हिंदू व मुस्लिम पक्ष के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उक्त बैठक में जिला अधिकारी ने कहा कि सभी लोग फैसले के दिन शांति बनाए रखे, यदि कोई उपद्रव करता हुआ पाया गया तो कार्यवाही की जाएगी। मौके पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक द्वारा भी शांति बनाए रखने की अपील की गई। आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए कहा गया। कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, जिसका हम सबको सम्मान करना चाहिए तथा आपस में सामाजिक सौहार्द बनाए रखेंगे। हम सभी हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं। इसके साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पर अफवाह ना फैलाएं और ना ही ऐसी किसी भी पोस्ट पर टिप्पणी करें। मौके पर उपस्थित समस्त पत्रकार बंधुओं, जिसमें सूरत पटेरिया, वेद प्रकाश नायक, महेश संतोष कौशिक, राकेश दीक्षित वकील, अहमद कुरैशी, सलमान खान, चांद बाबू एवं सभी सचिव, ग्राम प्रधान, लेखपाल एवं गणमान्य व्यक्ति बैठक में मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान उप जिला अधिकारी कुलपहाड़ मोहम्मद आवेश, खंड विकास अधिकारी ब्लॉक प्रमुख डीएल यादव एवं समूह की महिलाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। महोबा से जिला संवाददाता संतोष कौशिक की खास रिपोर्ट। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है तो सर यहाँ उपस्थित है, मैं चाहूंगा आप अपनी तरफ से बिल्कुल आश्वासन दे दें सर को कि यहाँ निर्णय के बाद किसी तरह का कोई समस्या नहीं आएगी। शॉर्ट में मैं 2-3 लाइन बताऊंगा, काफी समय हो गया है। कोई सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, इसका पालन करना, इसके निर्णय का पालन करना हमारा कर्तव्य है, हमको इसको मानना ही है। बात यह है कि इस निर्णय के बाद हमको किसी तरह का रिएक्शन नहीं देना, किसी तरह की समस्या नहीं आने देनी, ये हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात, अगर आपको कोई बात सुनने में आती है या सोशल मीडिया के थ्रू सुनने में आती है तो आपको उसको जांच कर लेनी कि आप बात सही है। अगर बात आपको गलत लगती है उसका तुरंत खंडन करना है, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, अगर सोशल मीडिया में तब आपको बतानी है। अगर आपको लगता है कि बात सही है तो उसको रिजेक्ट नहीं करना है, गलत बात है खंडन करना है, सही बात है उसको रिजेक्ट नहीं करना, आपको रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करने के लिए पुलिस प्रशासन है, सोशल मीडिया पर कंट्रोल करें। कोई भी आपको लगता है किसी तरह कोई संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध में से कोई भी रिस्पॉन्स पूछना है, आप अगर बात सोशल मीडिया की हो गई है, एसपी साहब ने बहुत डिटेल में बता दिया है, सारे लोगों ने बता दिया है कि सोशल मीडिया पे हमको कंट्रोल करना है। मैं तो कहता हूँ बंद कर दीजिए सोशल मीडिया, 15-20 दिन के लिए आप व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, ट्विटर बंद कर दीजिए, फेसबुक बंद कर दीजिए और अपना टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रखिए और किसी चीज पे आंख मूंद करके भरोसा रखते जब तक उसको आप वेरीफाई ना करें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के समय में। अगर कोई आदमी बंद कर ले व्हाट्सएप, मैं समझता हूँ क्या संभव है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको आत्मा से, तब आप बंद कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाता। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये यहाँ पे आया अभी तक कुछ लोग बर्तन वर्तन बेचने के बारे में क्षेत्र में कहीं दिख रहे थे, बाद में उसको वेरीफाई किया गया था। तो माने मातृभूमि से अहमद तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, नाम हमारी मर्यादा है, नाम हमारे आदर्श है, नाम हमारे पूर्वज हैं, उनके पक्ष में फैसला आए, जिनके पक्ष में फैसला आए, अदालत सर्वोच्च है, हम सब तहे दिल से स्वागत करेंगे। आप सभी बंधु पनवाड़ी में आज यहाँ उपस्थित सभी राम बंधु, हमारी यहाँ जितनी माताएं बैठी है, कपिला भाई बैठे हैं और अभी समाज के जितने भी सम्मानित माननीय बुद्ध जी भी, आप सबको सदर प्रणाम।
कोर का निर्णय आने वाला है। आप सभी लोगों ने जो आज यहाँ पर हैं और जिन लोगों ने अपनी बात रखी, सबने ये विश्वास दिलाया है कि सब कुछ सही चलेगा, कहीं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम ये आशा करते हैं और ये मानते भी हैं कि पूरा महोबा जिला हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है और आने वाले समय में भी वही शांति और वही सद्भाव इस क्षेत्र में बना रहेगा। दो तीन बातें जो मैंने में सदर का इंटरेस्ट करता हूँ, यहाँ पे भी करता हूँ, किसी ने बताया भी कि जो सोशल मीडिया है, पहले लोग बड़े शांति से रहते थे तो मोबाइल का कुछ टेंशन था, आजकल मोबाइल आने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, लोगों के मन में सद्भाव बढ़ गया है। क्योंकि जो हमारे पास जो भी चीजें आती हैं, जो हम प्रदर्शन करते हैं चीजों का, जो हमको सूचना मिलती है, हम कभी वेरीफाइड होती नहीं है, कभी किसी ने नहीं देखा कि वो सूचना सही है या गलत, किसी ने फॉरवर्ड की हमको अच्छी लगी तो हमने आगे फॉरवर्ड की, कोई चीज अच्छी लगना और सही और गलत होने में काफी फर्क होता है। तो कृपया अगर जो भी सूचना आपके पास आए या कोई मैसेज फॉरवर्ड आए या वीडियो आए, कम से कम उसका वेरीफाइड है या नहीं है वो जरूर देख लें, और अगर उसमें भी कोई सूचना ऐसी हो जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाली हो, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली कोई ऐसी सूचना हो, तो उसकी जानकारी आप प्रशासन को दें, पुलिस को दें। आप ऐसे सारे लोग, काफी लोग प्रशासन से जुड़े हुए हैं और आप लोगों की जनता में भी काफी अच्छी पकड़ है, लोग आपको सालों से जानते हैं और आपकी बात की वैल्यू करते हैं। तो कृपया अगर आप अपने जब गाँव में जाए और आप जो गाँव में लोगों से मिले, अलग अलग लोग गाँव में शाम के टाइम जंगली लोग बैठते हैं, तो जब मिले तो ये बात जरूर इस बात को वहां तक पहुंचाया जाए कि कोई भी ऐसी बात, चाहे वो धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हो या थोड़ी सी पिंच करने वाली हो, मतलब बिल्कुल हो सकता लगता हो कि बड़ा सही न्यूज है लेकिन होता है कभी कभार नहीं, छोटी सी किसी की धार्मिक भावना को आहत कर सकती हो, ऐसी बात को आगे फॉरवर्ड न करें। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होगी, आर्मी ने देखा फटाक से 5 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, कृपया अगर ये सब लोगों को बताए, क्योंकि अगर उसमें नजर हमारी बनी हुई है, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे लोग भी जुड़े हुए हैं, आप में से बहुत सारे सब साथी हैं हमारे, आपके थ्रू भी हमारे पास वो सूचना आएगी कि भाई इस नंबर से ये मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, और वो जानकारी जब हमारे पास आएगी तो हम मुकदमा लिख के उसमें कार्रवाई करेंगे, ये बात बिल्कुल देखी जाएगी। क्योंकि जनपद का सौहार्द, जनपद की जो सद्भावना है वो बनी रहे, ये शासन की पहली प्रायोरिटी है। तो कहीं पे भी ऐसा कोई वीडियो चाहे कुछ भी हो, कृपया अगर उसको फॉरवर्ड न करें। सबसे जुड़े हुए वर्कर के अपने भी ग्रुप हैं, ये लोग तो बात पहुंचा भी रहे हैं, आप लोग भी एक बार को पहुंचाए। दूसरी चीज ये भाई साहब कह रहे थे कि सोशल मीडिया में कुछ जो यहाँ के लोग हैं उनको इंक्लूड किया जाए, जहां तक मेरी जानकारी है सभी थानों के अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप बने हुए हैं, वो इसी पर्पज के लिए नए लड़कों के जोड़ने की कोशिश थी कि इसका जो मकसद है जिसको लेकर के हम लोग लेना है वो आप एक सफल बनाए। मैं आशा कर सकता हूँ क्या कि आप परवाड़ी मुझे लाना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, मुझे उम्मीद भी है परवाड़ी आए लेकिन किसी और काम के लिए आए तो अच्छी बात है। देखिए जजमेंट क्या आएगा कोई नहीं जानता, जो भी आए वो सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, उसको हमें हृदय से आप साफ करना है, हृदय से उनको बनना है, कोई जश्न नहीं होना चाहिए किसी पक्ष की तरफ से, किसी की तरफ से कोई इशार नहीं होना चाहिए कि कोई ढोल और तमाशा लेकर के सड़क पे आए और जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। जो भी जजमेंट आएगा उसको हम पहले दिन से स्वीकार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, इसीलिए हमारी लोकतंत्र की लड़ाई है। अभी संविधान की बात आ रही थी, तालिका के आ रही, अब ये कहना कि जजमेंट अगर ये आ गया तो मैं आप उदार चलूंगा, ऐसा जो कह रहा है मैं समझता हूँ वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का एक तरीके से अवमानना करता है, ऐसा किसी कीमत में नहीं होना चाहिए कि जजमेंट नहीं आएगा तो मैं आप उदार कर दूंगा, ये जजमेंट आएगा तो मैं ये कर दूंगा, इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि वो स्वीकार नहीं कर रहा है, जो भी आ रहा है उसको स्वीकार करने की जरूरत है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि वो अपनी बात सुन, अगर वो ये कहता है तो उससे भी कहीं ना कहीं से ये बात